बहुत खुशी की बात है, विजयता और आदेश की 20वीं सालगिरह है शादी की। और मुझे शादी का दिन भी याद है जिस दिन शादी हुई थी, और 20 साल निकल गए इस बात को। और बहुत बहुत उनको बधाई इस बात की 20 साल की। और उम्मीद करते हैं कि 25 साल जब है तब और ज़्यादा हंगामा हो। सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ आदेश और विजेता को इस मैरिज एनिवर्सरी पर बहुत सारी बधाइयाँ। और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही 50 साल के बाद भी हम लोग ऐसे ही आएँ और उनको बधाई दें। आज आदेश भाई और विजेता भाभी की 20th एनिवर्सरी है, 20वीं शादी की सालगिरह है। और इस हमारी इंडस्ट्री में किसी के 5 साल भी हो जाते हैं तो बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है। ख़ास तौर से एक अभिनेत्री हो और दूसरे आदेश श्रीवास्तव जैसे टैलेंटेड और अग्रेसिव म्यूजिशियन, म्यूज़िक कंपोज़र। पर इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने जीवन को निभाया है। इनके 2 बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो मुझसे बहुत नज़दीक है, आदेश अनिवेश। और बहुत सभी से मैं जानता हूँ तो इट्स मोर लाइक अ फैमिली नाउ। जो इस मुंबई शहर में कुछ नज़दीकी मेरे लोग हैं, उनमें से आदेश बहुत ही गिनती के लोग हैं, उसमें आदेश भाई का शुमार होता है। और मेरे ख्याल से सेम उनके लिए भी ऐसे है हमारा। तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में। आदेश भैया का विजेता जी का सालगिरह है, मैरिज एनिवर्सरी है। 20 साल उन्होंने बहुत ही प्यारे 20 साल गुजारे और हम सब यहाँ उसी के जश्न में आए हैं। इसके बारे में तो आदेश कुछ कहने लायक नहीं रहे, तो 20 साल हो गए ज़बान बंद हुए उनकी, करीब 10-15 साल हो गए, तो अब तो कहना उनके दोस्तों को ही पड़ेगा। आप आदेश को बधाई दें, जब ये सामने हो तो लाजमी है, ये जब चली जाएंगी तो मैं सच्ची बात बोलूँगा। देखिए, शादी करना आसान होता है, शादी पे टिकना बहुत मुश्किल होता है, और आज शादियाँ ज़्यादा टूट रही हैं और टिक कम रही हैं, उसमें 20 साल ज़िंदगी में एक ही औरत के साथ निकालना बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, तो इस उपलब्धि के लिए उसको ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएँ, और ऐसे ही 140 साल और निकालें।